हजार गाड़ी रे हजार गाड़ी, हजार गाड़ी रे हजार गाड़ी, रंग डलब दे हब हजार गाड़ी, रंग डलब दे हब हजार गाड़ी, रंग डलब दे हब हजार गाड़ी रे हजार गाड़ी, हजार गाड़ी रे हजार गाड़ी, हमार कुछ ना बिगारी हजार गाड़ी, हमार कुछ ना बिगारी हजार गाड़ी, हमार कुछ ना बिगारी। हैप्पी होली आप सभी को। हैप्पी से पहले तो आ गया क्योंकि भीड़ नहीं लायक थी। हाँ नहीं, कोई भी समारोह होता ही इसलिए है कि वहाँ सब लोग एकत्रित हों। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने रितेश भाई को कि इन्होंने कैसा उत्सव रखा है, होली मिलन समारोह, जिसमें हमारा पूरा परिवार एकत्रित हुआ है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एकत्रित हुई है। देखिए एक ही फ्रेम में हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी दिख रहे हैं, रितेश जी हैं, पवन भैया हैं, प्रदीप जी हैं, हमारे यश कुमार जी हैं, अयाज भाई हैं, करण पांडे जी हैं, और भी हमारे पूरे इंडस्ट्री के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो त्यौहार बनाए गए, मुझे लगता है त्यौहार बना ही इसलिए है कि सभी परिवार के लोग कहीं भी हों त्यौहार में एकत्रित हो जाएं, एक साथ मिलें। तो मुझे लगता है कि इसलिए ही ये उत्सव मन रहा है और हम सब भाई एकत्रित होकर के यहाँ पे मिलजुल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गेटअप की बात यह है कि मैं बगल में ही शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ मैं दुल्हा बना हूँ, दो दो दुल्हन वहाँ इंतजार कर रही हैं और मैं रितेश भाई बुलाए तो उन लोगों को कहा कि भाई थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि अब भाई बुलाए मैं जाके आता हूँ, तो इसलिए मैं दुल्हे के गेटअप में आ गया हूँ। दुल्हन दो दो हैं, मधु शर्मा और आम्रपाली दुबे, दोनों लोग हैं। फिल्म का नाम है दुल्हा हिंदुस्तान। हाँ नहीं, वहाँ मंडप लगा है, अगर आप लोग चले तो बाराती बन के शामिल हो सकते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि इन दोनों को भी जाने दीजिए, तो उन्होंने कहा या तो आप जाओ या तो इन दोनों को जाने दो। तो मैं बोला फिर आप इनकी पूरा परिवार है, भोजपुरी का और घर भी है, दुल्हनिया भी रेडी है, तो फिर हाँ और मैं तो शादी पे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो लगभग मेरी हर फिल्मों में दो तीन दुल्हन होती ही हैं। अभी तक 60-70 हो गया है और अभी कंटिन्यू है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। जी जी, पवन भैया हमको एक बार बताए थे कि मैं पूछा इनसे कि आपको बोलते हैं भोजपुरिया राजा, तो ये किंग बनने का आपके ख्याल कहाँ से आया? आप देख रहे हैं अपना समाचार। हजार गाड़ी रे हजार गाड़ी, हजार गाड़ी रे हजार गाड़ी, रंग डलब दे हब हजार गाड़ी, रंग डलब दे हब हजार गाड़ी, रंग डलब दे हब हजार गाड़ी रे हजार गाड़ी, हजार गाड़ी रे हजार गाड़ी, हमार कुछ ना बिगारी हजार गाड़ी, हमार कुछ ना बिगारी हजार गाड़ी, हमार कुछ ना बिगारी। हैप्पी होली आप सभी को। हैप्पी से पहले तो आ गया क्योंकि भीड़ नहीं लायक थी। हाँ नहीं, कोई भी समारोह होता ही इसलिए है कि वहाँ सब लोग एकत्रित हों। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने रितेश भाई को कि इन्होंने कैसा उत्सव रखा है, होली मिलन समारोह, जिसमें हमारा पूरा परिवार एकत्रित हुआ है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एकत्रित हुई है। देखिए एक ही फ्रेम में हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी दिख रहे हैं, रितेश जी हैं, पवन भैया हैं, प्रदीप जी हैं, हमारे यश कुमार जी हैं, अयाज भाई हैं, करण पांडे जी हैं, और भी हमारे पूरे इंडस्ट्री के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो त्यौहार बनाए गए, मुझे लगता है त्यौहार बना ही इसलिए है कि सभी परिवार के लोग कहीं भी हों त्यौहार में एकत्रित हो जाएं, एक साथ मिलें। तो मुझे लगता है कि इसलिए ही ये उत्सव मन रहा है और हम सब भाई एकत्रित होकर के यहाँ पे मिलजुल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गेटअप की बात यह है कि मैं बगल में ही शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ मैं दुल्हा बना हूँ, दो दो दुल्हन वहाँ इंतजार कर रही हैं और मैं रितेश भाई बुलाए तो उन लोगों को कहा कि भाई थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि अब भाई बुलाए मैं जाके आता हूँ, तो इसलिए मैं दुल्हे के गेटअप में आ गया हूँ। दुल्हन दो दो हैं, मधु शर्मा और आम्रपाली दुबे, दोनों लोग हैं। फिल्म का नाम है दुल्हा हिंदुस्तान। हाँ नहीं, वहाँ मंडप लगा है, अगर आप लोग चले तो बाराती बन के शामिल हो सकते हैं
क्योंकि मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि इन दोनों को भी जाने दीजिए, तो उन्होंने कहा या तो आप जाओ या तो इन दोनों को जाने दो। तो मैं बोला फिर आप इनकी पूरा परिवार है भोजपुरी का और भी है, दुल्हनिया भी रेडी है, तो फिर हाँ और मैं तो शादी पे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो लगभग मेरी हर फिल्मों में 2-3 दुल्हन होती ही हैं। अभी तक 60-70 हो गया है और अभी कंटिन्यू है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। जी जी, वो पवन भैया हमको एक बार बताए थे कि मैं पूछा इनसे कि आपको बोलते हैं भोजपुरिया राजा, तो ये किंग बनने का आपके ख्याल कहाँ से आया मन में? तो पवन भैया कह रहे कि हम यार हमेशा एक चीज पढ़ी कि राजा लोग के 100-100 को मेहरारू रहे तो हम ही नहीं से आइडिया लेनी, हम कहीं ठीक हुआ तब हमहू राजे बने। राजा बन भी गए, आप फिल्म भी आ गई आपका। जी रोमियो राजा कल आ रही है और आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए। बिल्कुल, रोमियो राजा के लिए जोरदार ताली हो जाए। हो भैया, थैंक यू। और सिर्फ 3 दिन ही नहीं रहा, आज भी वो ऐसा गाना बन गया है, मुझे लगता है भोजपुरी के इतिहास में ऐसा गाना कभी नहीं बना। और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पवन सिंह जी को कि इन्होंने भोजपुरी के स्तर को इतना उठा दिया है कि अब गर्व हो रहा है हर किसी को कि भाई पहले हमको लगता था कि सिर्फ पंजाबी में इस तरह के गाने आते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, बहुत अच्छे शूट होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, उसमें मॉडल्स होती हैं, पर पवन जी ने वो गर्व हम लोगों को भी दे दिया कि हम लोग भी गर्व कर सके कि हमारे भोजपुरी में भी ऐसा गाना है। तो इसके लिए तो मैं पवन जी के लिए बहुत चाहूँगा कि आप लोग इनको शुभकामना दीजिए। और इन्होंने जिस तरह से रास्ता दिखाया है, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में भोजपुरी में अब इस तरह के गाने बनेंगे जिससे कि भोजपुरी के गानों का स्तर जो है